नहीं 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 नहीं, वनराज के बापूजी को बताऊंगी तो उन्हें तो बहुत बड़ा झटका लगेगा। नहीं नहीं नहीं, वो उनको मैं अभी वहां पे ये बात नहीं बता सकती। नहीं 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 नहीं, भगवान तो मैं क्या करूं? कहां से तो नहीं बता सकती। बा आर यू ओके? हाँ आर यू ओके बा? मेरी किडनी काम आएगी। व्हाट? हाँ मैंने वो अखबार में पढ़ा था कि वो अमीर लोग ना अपने बेटों के लिए ऐसे किडनी खरीदते हैं। वो टीवी में भी ऐसा देखा था कि जो किडनी देता है ना उसे पैसे मिलते हैं। मैं बीमार नहीं हूँ, हाँ बूढ़ी हूँ, बस सिर्फ घुटनों का दर्द और बीपी है। मेरी किडनी प्लीज काम डाउन। एक काम कर, तू हॉस्पिटल में फोन लगा। हाँ उनको पता होता है, सब पता होता है, वो बताएगी। भाभी कैसी बातें कर रही है? तुझे नहीं करना है फोन, मैं ही करती हूँ। हाँ, मैं हॉस्पिटल में पूछती हूँ। अरे वो पटेल भाई को पूछती हूँ, उनको सब पता होता है। आप किसी को फोन नहीं करेंगी तो तू मुझे बता, तू तो इतनी पढ़ी लिखी है ना, मुझे बता मेरी किडनी बिक सकती है कि नहीं। चुप, एकदम चुप। खबरदार आपने ऐसी उल्टी सीधी बातें की तो। हाँ मेरी किडनी बिकेगी तो थोड़े बहुत पैसे तो आएंगे। आई नीड टू कॉल मम्मी। नहीं नहीं नहीं, मम्मी ऑलरेडी इतनी स्ट्रेस्ड है, पापा को बुलाती हूँ। पड़ेगा नहीं तो हम कैसे करें? आप प्लीज बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। सब बर्बाद हो गया, सब बर्बाद हो गया, बस अब एक ही उपाय बचा है। मेरी किडनी के थोड़े कम पैसे तो कम आएंगे, तुझे कुछ तो करना पड़ेगा। तो क्या हुआ किंजल? आई ओके? काव्या पापा कहाँ है? वो बा क्या हुआ बा को? बा पता नहीं अजीब अजीब सी बातें करेगी, किडनी बेच दो पता नहीं, और आई थिंक वो शॉक को हैंडल नहीं कर पा रही। काव्या पापा ही उन्हें संभाल सकते हैं, तुम प्लीज पापा को बा के पास भेजो, मैं उनके लिए पानी लेकर आती हूँ। प्लीज काव्या प्लीज। ओ गॉड, एक और मुसीबत, कहीं बा को सच में हार्ट अटैक ना आ जाए। नो नो नो, ऐसा नहीं होना चाहिए। टच वुड। पता नहीं घर पर सबका क्या हाल हो रहा होगा, स्पेशली अनु आंटी का। समर पिकअप। अरे ये समर फोन क्यों कट कर रहा है? अनु आंटी कैसी है? डरी हुई है। डोंट वरी समर, सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं ना, तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा है। ऊपर से ये डर लग रहा है कि अगर कूल डूड और बाय शॉक को हैंडल नहीं कर पाए। और समर प्लीज ऐसा सोचो भी मत। उठिए किंजल, किंजल उठिए, समर उठिए उठिए किंजल, किंजल पानी लेके आओ, किंजल पानी लेके आओ। बाहर क्या हो रहा है? क्या हो रहा है बाहर? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है बाहर? क्या? ये लगता है बीपी शूट अप हुआ, बीपी शूट अप हुआ। बाप की दवाई कहाँ है? हाँ। दवाई सांस लेते रहिए, सांस लेते रहिए, गहरी सांस ले। दवाई दीजिए, पानी पानी। संभाल, चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। वो तेरे बापू जी का फोन आया था, कितने खुश थे, कह रहे थे कि 1,25,000 वापस मिल गए, थोड़ा तो 20 लाख में कब होगा। अब उन्हें कैसे बताऊं कि यहाँ 20 लाख नहीं, यहाँ तो 40 लाख देने हैं। अरे कभी 40 लाख का तो सपना भी नहीं देखा है। किंजल कैसे होगा? जमा किसी ना किसी तरह हो जाएगा, भाप चिंता मत कीजिए, वरना फिर से आपका बीपी शूट होगा। प्लीज मेरा तो बीपी बढ़ेगा, बापूजी को पता चलेगा तो उनका तो बाप। प्लीज ऐसी बात मत बोलिए, ऐसी बात मत बोलिए बाप, प्लीज सब ठीक हो जाएगा। ठाकुर जी रक्षा करो, हे ठाकुर जी। कुछ सोचा है क्या करोगी? नहीं सोचा तो सोचो एंड डू समथिंग, डैम इट। लिसन अनुपमा, आई डोंट केयर कि तुम पैसे कहां से लाती हो और कैसे लाती हो, बट जस्ट अरेंज फॉर द मनी। डू यू गेट दैट? डू यू गेट दैट? और अगर जरा सी भी शर्म बची है ना तो जो ब्लंडर किया उसकी भरपाई करो। अरेंज फॉर द मनी, डैम इट। 40 लाख का लोन, 40 लाख का पहाड़ तोड़ दिया हमारे सर पे। बेशरम कहीं की, गवार, अनपढ़, जाहिल, बिना पढ़े पेपर साइन कर दिए। मुझे लगा था कि अनुपमा कम पढ़ी लिखी है, मगर बेवकूफ भी है ये नहीं पता था। बट शी प्रूव्ड मी रॉन्ग। 20 लाख रुपए के लिए बैंक के पास कारखाना गिरवी रख दिया। हाउ स्मार्ट। और तुम्हें पता है तुम्हारी प्यारी साथ ना यहाँ तक नहीं रुकने वाली है। उसे तब तक चैन नहीं मिलेगा जब तक वो भीख का कटोरा हम सब के हाथों में ना थमा दे। काव्या, कांट यू कम डाउन? कम डाउन? तुम्हारी सास ने जो कांड किया है तुम्हें लगता है कि उसके बाद कोई भी शांत बैठ सकता है? तो चिल्लाने से क्या हो जाएगा काव्या? कम से कम अंदर का गुब्बार तो बाहर निकल आएगा। तो जाओ अपने कमरे में जाके निकालो। ऐसे कैसे बात कर रही हो किंजल? तुम्हारी सास हूँ मैं। और तुम भी किसी की बहू हो काव्या। आइडियली इस वक्त तुम्हें बाको संभालना चाहिए, पूरी फैमिली को संभालना चाहिए, लेकिन तुम्हें तो ये ब्लेम गेम से फुर्सत ही कहाँ है। तुम्हारे साथ शेयर कर रही हूँ सिर्फ। प्लीज काव्या मत करो। मेरे पास तुम्हारी इन सब बातों के लिए ना टाइम नहीं है। अगर तुम हेल्प नहीं कर सकती तो जाओ अपने कमरे में जाके सो जाओ। मेरे सामने बड़ी जबान चलती है तुम्हारी, लेकिन जिसके सामने बोलना होता है उसके सामने तुम्हारी बोलती बंद हो जाती है। अरे इतना ही है तो जाके अनुपमा से कहो ना कि ये जो कुछ भी हो रहा है सब उसी की वजह से हो रहा है। कमाल है, कोई बात भी नहीं कर सकता है अभी तो। तुम रोते हुए क्यूट लगते हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम रोते ही रहो। धंधू, मुझसे मम्मी की ये हालत देखी नहीं जा रही है। मैंने पहली बार उन्हें इतना हेल्पलेस, इतना टूटा हुआ देखा है, और उसका जिम्मेदार मैं हूँ। अगर मैं मम्मी को संभाल लेता तो वही होता जो हुआ है। समर, तुम ही तो कहते हो ना जो होना होता है वो होकर ही रहता है। आई नो नहीं होना चाहिए था, पर हो गया ना समर। प्लीज तुम अपने आप को संभालो, तभी हम मम्मी को संभाल पाएंगे। और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी तो निकालना है ना हमें। हाँ, लेकिन 20 लाख का फ्रॉड गलती नहीं बर्बादी है अनुपमा। हम सबको बर्बाद कर दिया तुमने। और गलती भी की तो इतनी बड़ी गलती की कि एक गलती अब पूरी फैमिली की जान ले लेगी। मैं नाराज था, बाबूजी बाहर थे, पापा बिजी थे, तो उसी समय साइन करना जरूरी था क्या? उसी समय साइन करना जरूरी था क्या? उसी समय साइन करना जरूरी था क्या? ये लाइट कैसे चली गई? ये आग तुमने लगाई है और इस आग को तुम ही बुझाओगे। इस बार तुमसे नहीं होगा अनुपमा। तुम तो डूबी ही डूबी हो, बट आई विल मेक श्योर कि तुम्हारे साथ साथ बी और मैं नहीं डूबेंगे। मेरा तो बीपी बढ़ेगा, बापूजी को पता चलेगा तो उनका तो देखे। लिसन अनुपमा, आई डोंट केयर कि तुम पैसे कहाँ से लाती हो और कैसे लाती हो, बट जस्ट अरेंज फॉर द मनी।